हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल तो आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करें क्लास इलेवेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट तो so, उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो so, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सेट का क्या मतलब होता है सेट की क्या डेफिनेशन होती है ओके तो व्हाट इज सेट सेट की डेफिनेशन सबसे सिंपल डेफिनेशन है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो ये कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का बट वो कलेक्शन किस तरह से होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए तो कलेक्शन तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जिनका हम कलेक्शन देखते हैं जैसे कि हम इंग्लिश अल्फाबेट्स का कलेक्शन हो गया वाउल्स का कलेक्शन हो गया या फिर आप नंबर्स का कलेक्शन देख लो डेज का कलेक्शन मंथ का कलेक्शन या आपके क्लास के स्टूडेंट्स उनका कलेक्शन तो बहुत तरह के कलेक्शन हम यहां पे देखते हैं बट सेट कौन से कलेक्शन की बात कर रहा है सेट कौन से कलेक्शन को यहाँ पे बता रहा है तो जो भी कलेक्शन आप यहां पे देख रहे हो अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तभी वो सेट है अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आप कोई भी कलेक्शन पे देखोगे इस तरह के आप क्वेश्चन देखोगे आपको कलेक्शन दिया होगा और उसमें से आपको चेक करना होगा कि ये सेट है या नहीं है तो आपको सिर्फ वहां पर यही देखना है कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है अब यहाँ पे देखो मैं कुछ एग्जाम्पल दिखती हूँ कौन से कलेक्शन को वेल well डिफाइंड well नहीं कहते हैं ओके okay, तो यहाँ हमें देखो फाइव टाइप का कलेक्शन लिखा है तो आपको इससे समझ में आ जाएगा वेल well डिफाइंड का मतलब क्या होता है तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन फाइव तो नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं वन से वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सोन इंफिनिटी तक जाते हैं तो इन हमें वो यहाँ पे जो कलेक्शन बनाया है वो उन नेचुरल नंबर का बनाया है जो लेस देन फाइव हो तो ये यह आपका यहाँ आंसर हो जाएगा वन टू थ्री एंड फोर ये चार नंबर ही आपके आएंगे भी पूछोगे कि कि इस question का आप यहां पे answer बताओ कि आपको five से less than natural number बताने, तो सारे ही लोग आपके one, two, three, four ही आंसर बताएंगे इसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा तो अगर कोई भी आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है तो वो कलेक्शन हमारा वेल well डिफाइन होता है जैसे आप किसी से भी पूछोगे तो हमेशा इसका आंसर वन टू थ्री फोर ही रहेगा ये कभी आंसर चेंज नहीं होगा तो ये वाला कलेक्शन हमारा यहाँ पे क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन है well है 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 वेल डिफाइंड कलेक्शन इसका मतलब ये हमारा क्या बना रहा है? बना रहा रहा सेट फिर नेक्स्ट अब अगर हम पे देखते हैं द वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वाउल्स होते हैं वो हमारे होते हैं ए ई आई ओ एंड यू तो यही पांच हमारे पास वाउल्स होते हैं तो ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे मतलब आप किसी एक पर्सन से पूछोगे तो वो कोई और आंसर देगा दूसरे से पूछोगे तो वो कोई और आंसर देगा इस तरह से यहां पे नहीं होगा हमेशा ये पांच वाउल ही आपके इंग्लिश अल्फाबेट में होंगे तो इसका मतलब ये कलेक्शन भी हमारा वेल well डिफाइंड है क्योंकि ये भी हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है फिर नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक तो एक वीक में जो डेज का कलेक्शन है टोटल सेवन डेज का कलेक्शन है हमारे पास कलेक्शन है मंडे देन ट्यूजडे देन वेडनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे देन संडे तो ये पांच ये आपके जो सेवन डेज है ये हमेशा कलेक्शन में यही रहेंगे ये कभी भी चेंज नहीं होंगे तो ये वाला कलेक्शन भी आपका यहाँ पे क्या है वेल well डिफाइन है ओके okay? तो वेल डिफाइन आप उसको कह रहे हो जिसमें पर्सन टू पर्सन आपका आंसर चेंज नहीं हुआ है अब नेक्स्ट आप फोर देखो द कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन क्लास इलेवंथ अगर आपकी क्लास में टोटल फिफ्टीन बॉयज हैं और अगर आपने एक स्टूडेंट को पूछा तो उसके अकॉर्डिंग हैंडसम बॉय कोई और हो सकता है अगर आपने माना कि हमें थ्री स्टूडेंट का कलेक्शन बनाना है ठीक है कि मुझे क्लास में जो थ्री सबसे हैंडसम बॉय है उनका कलेक्शन बनाना है तो अगर मैंने किसी को पूछा तो किसी ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा किसी को कोई हैंडसम लगेगा किसी बच्चे को कोई दूसरा बच्चा हैंडसम लगेगा तो वो उनका अपना ओपिनियन तो जहां पे उनका ओपिनियन आ जाता है या फिर वो जो हमने यहां पे उनको पूछा है कलेक्शन जो बनाने के लिए पूछा है वो पर्सन पर डिपेंड हो जाता है तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ओके क्योंकि ये पर्सन पर डिपेंड करेगा कि वो किसको हैंडसम मानता है किसको नहीं मानता फिर कलेक्शन ऑफ फेवरेट हीरो चाहे हीरो ले लो चाहे हिरोइन ले, ले लो तो ये भी सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, किसी को किसी को यहाँ पे अमिताभ बच्चन पसंद है किसी को शाहरुख खान पसंद है किसी को आमिर खान पसंद है तो ये उनका पर्सन टू पर्सन कलेक्शन अलग अलग हो जाएगा तो ये भी हमारा कलेक्शन क्या है नॉट वेल डिफाइन हो गया ओके okay? तो सिंपल बात हमें समझ में आई है यहाँ पे कि जब कोई भी कलेक्शन होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा तो वो वेल well डिफाइन है लेकिन अगर वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो वो वेल well डिफाइन नहीं है ओके तो व्हाट इज वेल डिफाइंड अ कलेक्शन इज वेल डिफाइंड इफ इट विल नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अगर कलेक्शन चेंज नहीं होता है अब देखो किसी भी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है जैसे कि आपको यहाँ पे वाउल का कलेक्शन भी लिखना है तो उसका एक तरीका है उसको लिखने का तो वो तरीका क्या है उसमें क्या क्या चीज आपको याद रखनी है तो वो देखो मैं नोट्स करके यहाँ पे बताती हूँ तो सेट को कैसे लिखना है उसके लिए आप देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो जो हमारे डेफिनेशन में जो ऑब्जेक्ट वर्ड आया था अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट को हम उसमें मेंबर भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स ऑफ सेट भी कहते हैं तो ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट तो मेनली हम यहां पे उसको एलिमेंट्स कह के बुलाते हैं जैसे आपको यहाँ पे का एक सेट बना वॉल्स का तो हमने ए ई आई ओ यू लिखा जब इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसके क्या कहलाएंगे एलिमेंट कहलाएंगे जैसे वन टू थ्री फोर इस सेट के क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स हो जाएंगे फिर सेट को हम यूजली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से तो अभी एग्जाम्पल लिखते हैं पहले यहां देख लेते हैं तो सबसे पहली बात हो गई ऑब्जेक्ट्स को मेंबर्स भी कहते हैं एलिमेंट्स भी कहते हैं दूसरी बात हम सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे तो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स तो आप देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं मैं कोई भी एक यहाँ सेट का एग्जाम्पल लेती हूँ उसको हम डिनोट कैसे करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं तो मैंने एक सेट लिया सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉल्स तो हम इसको कैसे लिखेंगे तो अब मुझे सेट को डिनोट करना है यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल लेटर लिखूंगी फिर आपको यहाँ पे इक्वल देन आपको इसको ब्रैकेट ये कर्ली ब्रैकेट में लिखना है या इसको ब्रेसल्स भी कहेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट तो अब आपको इस तरह से लिखना है A then E then I then O then U and bracket close हो गया तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सबसे पहले जो नेम है सेट का ये हमारे पास ये क्या है A यहाँ पे कौन है ये सेट का नेम है नेम ऑफ सेट यानी कि ये कौन क्या किसका सेट है ये ए जो है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वाउल्स है तो इसको हम हमेशा कैसे डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से ओके okay, फिर आपका यहाँ पे ये यह हो गया ये अंदर जो है वो उसको आप यहाँ पे क्या कह सकते हो ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो मेंबर भी कह सकते हो एलिमेंट्स भी कह सकते हो तो इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और हमेशा ये किस में होने चाहिए ऑल एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए ये सारे देखो स्मॉल लेटर ना अगर आपको ये कहा है वाउल्स का कलेक्शन लिखो तो आपको अपने से कभी कैपिटल में नहीं लिखना है इनको हमेशा एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखना है नाउ नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट को कैसे करना है क्लोज ये हमारा कर्ट ब्रैकेट से जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको करली ब्रैकेट से इस तरह से क्लोज करके लिखना है और सारे एलिमेंट जो है वो कॉमा से सेपरेट होंगे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है ये सारे एलिमेंट हमारे किससे सेपरेट होंगे कॉमा से तो ये एक किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है नाउ नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सेट को हम किन दो तरीके से लिख सकते हैं तो ये जो मैंने आपको भी क्वेश्चन बताया ना यही आपके दो तरीका एक तरीका तो आपका ये वाला होता है दूसरा तरीका आपका ये वाला है बट इनको नेम दिया हुआ है जबकि आपको क्वेश्चन आएगा कभी भी कि आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखो रोस्टर फॉर्म लिखो तो वो चीज क्या होती है वो हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन भी देखते हैं और पर्टिकुलर उस फॉर्म में आप सेट को कैसे लिखोगे वो भी यहाँ पे देखते हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं दोनों मेथड क्या है आपको बता चुकी हूं बताती हूँ अभी आपको यहाँ पे बताया था ये वाली ये वाली फॉर्म आपकी रोस्टर फॉर्म होती है कि जैसे कि आपको कहा ना कि आप सेट ऑफ वाउल्स लिखकर बताओ रोस्टर फॉर्म में लिखकर बताओ तो आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको एक कैपिटल लेटर लिखना है इक्वल करके कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और सारे एलिमेंट्स को आपको कॉमा से सेपरेट करना है तो यही हमारी जो होती है वो रोस्टर फॉर्म फोमती है तो पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर मैं एक और एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ तो हमारी डेफिनेशन हो गई इन दिस फॉर्म इन रोस्टर फॉर्म लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट तो सबसे पहले आपको वो सारे मेंबर्स देख लेने जो कि उस सेट को बनाने जैसे सेट ऑफ बनाना में पांच हमारे मेंबर्स थे ए ई आई ओ यू तो वो आपने देख लिए अब इन मेंबर्स को कैसे लिखना है सेपरेटेड दीज बाय कॉमास अब इनको सबसे पहले कॉमास सेपरेट से करना है एंड एनक्लोज दिस विद इन ब्रेसेस और करली ब्रैकेट और इन सबको हमें करली ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है तो ये हमारे इसको ब्रेसेस भी कह सकते हैं और करली ब्रेकेट ट भी कह सकते हैं अब एक एग्जाम्पल देखते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड ट्वेंटी आपका क्वेश्चन है अब आपको इसका आंसर रोस्टर फॉर्म में देना है तो रोस्टर फॉर्म में देना है तो सबसे पहले हम एक कैपिटल लेटर लिख लेते हैं यहां पे मैं इस सेट को एस से डिनोट कि ये जो मेरा सेट है कि कि ऑल नेचुरल नंबर जो 20 को डिवाइड करे उसको मैं एस से डिनोट कर फिर इक्वल नाउ कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया अब आप यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री फोर टू इन्फिनिटी तक जाते हैं तो देखो कौन कौन से नंबर है वो ट्वेंटी को डिवाइड करते हैं तो वन के टेबल में भी ट्वेंटी आता है तो वन हो गया फिर टू के टेबल में ट्वेंटी आता है तो टू यहां पे हो गया थ्री के टेबल में ट्वेंटी नहीं आता तो थ्री नहीं लेंगे फिर फोर के टेबल में ट्वेंटी आता है तो फोर हमने यहां लिख दिया इस सेट के अंदर न फाइव के टेबल में ट्वेंटी आता है तो हमने फाइव लिख दिया फिर सिक्स में नहीं आता सेवन में नहीं आता एट में नहीं आता नाइन में नहीं आता फिर सीधा आपका टेन के टेबल में आता है टेन के बाद इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन यहां तक भी कोई नहीं आता फिर सीधा ट्वेंटी के टेबल में ट्वेंटी आता है तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया तो ये फॉर्म हमारी हुई रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में आपको एक कैपिटल लेटर लिखना है इक्वल लिखना है सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है और करली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देना है ओके okay? तो ये आपके रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है अब रोस्टर फॉर्म में आंसर को लिखते समय भी आपको और भी बातों का ध्यान रखना है तो सबसे पहले फर्स्ट बात आपको ध्यान रखने की रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए अब यहां पे तो चलो ये आंसर में आपका एक एक ही आंसर था लेकिन कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि जहां पे जैसे आपको क्वाडेटिक एक इक्वेशन दे दिया उस क्वाडेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन निकल रहे तो आपको कहा कि सोल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो तो आपको उस नंबर को दो बार नहीं लिखना है एक बार ही लिखना है ये स्पेलिंग से रिलेटेड भी आएगा तो देखो मैं इसका एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूं तो फर्स्ट पॉइंट आपको रोस्टर फॉर्म में याद रखना है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए अब देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ अब आपको यहाँ पे एक सेट बनाना है जो सेट आपको किस तरह से बनाना है जो जो स्कूल को बनाने वाले जो भी लेटर उन लेटर का हमें सेट लिखना है तो आपको सबसे पहले सेट का नेमिंग करना है हमने नेमिंग कर दिया ए है कर्ली ब्रेकेट ओपन कर दिया अब देखो स्कूल को बनाने में सबसे पहली स्पेलिंग हमारी आ रही है एस तो हमने एस लिख लिया नाउ कॉमा फिर आ रहा है हमारा सी तो हमने सी लिख लिया फिर हमारा आ रहा है एच तो हमने एच लिख लिया अब यहाँ पे ओ टू टाइम आ रहा है बट हम टू टाइम नहीं लिखेंगे हम वन टाइम ही लिखेंगे क्योंकि हमें उन लेटर का सेट बनाना है जो स्कूल की स्पेलिंग बनाने में यूज होते हैं तो यहाँ ओ टू टाइम है बट आपको टू टाइम नहीं लिखना है वन टाइम लिखना है और ये फिर हमने यहाँ पे एल लिख के ये हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज तो ये हमारा इसका हो गया आंसर तो इसी तरह से आपके यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे यही है कि आपको यहाँ पे लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए जो आंसर हो चाहे आपका क्वाडिटिक क्वेश्चन हो किसी तरह का क्वेश्चन हो रोस्टर फॉर्म में आपके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट कभी भी यहाँ पे रिपीट नहीं होने करनी अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी तो ये तो मैंने बुक का एग्जांपल था मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया अभी मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट्स आपके यहाँ पे स्मॉल लेटर में होने चाहिए कैपिटल में नहीं होने चाहिए बट आपका क्वेश्चन ही कैपिटल में है तो हम आंसर भी कैपिटल में ही देंगे अगर हमें सिर्फ यहाँ पे स्कूल नहीं लिखा होता सिर्फ यही लिखा होता कुछ और वर्ड यहाँ पे होता है या कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे होता तो आपको अपने से अगर यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो हमेशा स्मॉल में लिखना है बट क्वेश्चन कैपिटल में तो हमने कैपिटल में ही लिखना है नाउ सेकेंड पॉइंट जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है वो ये है कि रूस्टर फॉर्म में ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है आंसर का है जरूरी नहीं कि मैंने एस पहले ही आएगा सी बाद में ही आएगा या इनका ऑर्डर यहाँ पे फिक्स है ऐसा कुछ नहीं है आप यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते थे हम मैंने सी पहले लिख दिया फिर मैंने एच लिख दिया फिर मैंने ओ लिख दिया फिर मैंने ओ फिर एस लिख दिया तो इस तरह से भी हम आंसर लिख सकते हैं तो ऑर्डर चेंज करने पर आंसर आपका कोई रॉन्ग नहीं होगा तो दो चीज याद रखनी फॉर्म में एक तो आपके एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए दूसरा आपका यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ओके okay? तो वी कैन राइट सेट इन एनी ऑर्डर तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर ही दे दिया नहीं तो मैं आपको यहां भी बता देती हूँ इसी तरह से आप 20 को पहले लिख लो फिर 1 लिख लो फिर 5, फिर 4, फिर आप 10 लिख लो देन 2 लिख लो तो इसी तरीके से हम यहां पे ऑर्डर आपका यहां पे चेंज हो सकता है ठीक है तो ये मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल यहां दे दिया नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है रोस्टर फॉर्म समझा दिया नाउ सेट बिल्डर फॉर्म तो सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन हो गई इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट फॉलोड बाई अ स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाई ईच मेंबर ऑफ द सेट तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको वहां पे आंसर देना है स्टेटमेंट आपको लिखना है उस स्टेटमेंट में एक वेरिएबल होगा और वो जो वेरिएबल है उस सेट के ईच मेंबर की डेफिनेशन को डिफाइन करेगा तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे मैं वाउल्स ही ले लेती हूँ जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ यहाँ पे सेट ऑफ वाउल्स ही ले, ले लेती हूँ ओके okay, अब आपको इसको आंसर देना है सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में कैसे देना था वो तो मैंने आपको समझा दिया इसी तरह से ए इक्वल टू यहाँ पे ए आई ओ यू लिख देना है कॉमा से इनको सेपरेट करना है अब इसी आंसर को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ पे इस सेट को वी से डिनोट कर लेती हूँ तो वी इक्वल टू यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लेना है एक्स और उसके बाद में मुझे यहाँ पे इस तरह से दो डॉट लगाने आप इस तरह से यहाँ पे स्लैश भी लगा सकते हो इसका मतलब यहाँ पे होता है सर्च दैट ओके तो एक्स एक्स यहाँ पे इस तरह से है एक्स इज अउल ऑफ वाउल इन द इंग्लिश एल्फाबेट तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या करना है स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर को लिखना है तो इसका भी मतलब ये ए ई आई ओ यू ही होगा लेकिन हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है कि 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 ये ये इस इस सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक्स 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 लेना है है तरह से इज अ यानी एक्स जो है वो ए ई आई ओ यू इन पांचों को डिफाइन कर रहा है तो एक्स यहाँ पे क्या है इज अ अउल इन द इंग्लिश अल्फाबेट तो ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म अब आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको ये वाला लिखा था नेचुरल नंबर इसका अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 20 तो अभी देखो इसका कैसे लिखेंगे तो हम इस सेट को एस से डिनोट कर देते हैं तो सेम एक्स लिखेंगे एक्स हियर तो इसको रीड कैसे करना है द सेट ऑफ ऑल एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड ट्वेंटी इस तरह से हमें आंसर लिखना है ओके अब यहां पे इसको कैसे रीड करोगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अवाउल इन द इंग्लिश अल्फाबेट तो यहां पे ये यह, जो आपका डबल डॉट है इसको हम यहां पे कहते हैं सच दैट ओके समझ में आ गया तो आप इसकी जगह पे ये साइन हमने यूज किया इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो या फिर इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कोई भी साइन यहां पे लग है ये भी हमारे क्या है सच दैट है तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म आप देखो इसमें यहाँ पे कुछ सिम्बल्स और हैं जिसको हम यूज करते हैं बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू अब उनका भी मीनिंग देख लेते हैं तो नाउ सिंबल्स एंड मीनिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जहां पे आपके कुछ सिंबल्स यूज आएंगे तो जैसे कि हमारा फर्स्ट सिंबल आएगा इस तरह से ई e बनाना है इस तरह से ये सिंबल का मतलब क्या होता है बिलोंग टू इसका मतलब होता है बिलोंग टू तो बिलोंग टू का मतलब क्या हो गया जब आपने जैसे कोई सेट बनाया है अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब वो एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है अगर वो एलिमेंट उसमें नहीं है तो वो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सेट में अगर ये ए है तो वो उसमें बिलोंग कर रहा है तो उसको ए इज बिलोंग टू ए और उसको सिंबोलिकली फॉर्म में इस तरह से लिखना है ए इज बिलोंग टू ए जैसे आपने सेट ऑफ वॉवल देखा था तो सेट ऑफ वॉवल आपका यहाँ पे क्या होता है सेट ऑफ वॉवल में आपका होता है ए ई e, आई ओ यू तो इसमें आप क्या लिखोगे ए इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो आप लिखोगे ए इज बिलोंग टू एस एस हमारा सेट का नेम है ना फिर आप यहां पे लिख सकते हो आई आई इज बिलोंग टू दिस सेट एस ओके तो ये पांचों इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो बिलोंग आपको इस तरह से देखना है तो सेट के एलिमेंट्स को देख के चेक करना एलिमेंट उसमें है तो वो बिलोंग नाउ नेक्स्ट इज नॉट बिलोंग टू तो ये नॉट बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू का सिंबल होगा इस तरह से जो हमने ई लिखा उसको क्रॉस कर दो तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम इसको कहेंगे ए इज नॉट बिलोंग टू ए और हमको इस तरह से लिखेंगे जैसे सेट ऑफ वाउल में सिर्फ ये पांच हमारे यहाँ पे है अगर मैं इसमें बी की बात करती हूँ बी इसमें नहीं है तो हम लिखेंगे बी इज नॉट बिलोंग टू सेट एस यही हमारा सेट एस है और आप ले लो यहाँ पे डी तो डी इज नॉट बिलोंग टू सेट एस तो ये और दो चीज हमें यहाँ पे देखनी थी वो हमने देख ली अब हमारे यहाँ पास यहाँ पे कुछ और है कि स्पेशल सिंबल्स हैं कुछ सेट्स के लिए जो पहले से बने हुए हैं जो कि आपने टेंथ क्लास में पढ़े हैं जैसे नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिफाइन करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से डिफाइन करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से डिफाइन करते हैं तो ये आपके यहाँ पे पहले से स्टैंडर्ड सिम्बल्स इनके बनाए हुए हैं तो स्टैंडर्ड सिंबल्स कौन कौन से नंबर के वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं तो ये कुछ मैथमेटिकल सेट है जो कि वेल डिफाइंड है तो इसमें पहला सेट है हमारा नेचुरल नंबर का सेट जो कि हमारा होता है वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी तक फिर जेड सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं अब जेड में इंटीजर्स आपके क्या होते हैं इंटीजर्स को हम इस तरह से लिखते हैं इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी को इस तरह से तो ये आपका हो गया माइनस टू माइनस वन जीरोन वन टू थ्री और ये इधर इन्फिनिटी तो इसमें से जो पॉजिटिव वाले होंगे अगर आपको इन सब की देखनी है तो मैंने नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी वन पॉइंट वन और टेंस में भी जो वन पॉइंट वन है दोनों के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सारे नंबर अच्छे से पढ़ाए नंबर क्या होता है होल नंबर क्या होते हैं विद डेसिमल वाले नंबर क्या होते हैं विदाउट डेसीमल वाले क्या होते हैं रैशनल इेशनल प्राइम नंबर सारे कुछ मैंने वहां पर एक्सप्लेन है तो ये तो कुछ मैथमेटिकल सेट आपके बनाए हुए उनका नेमिंग दिया हुआ है तो वो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन तो आप आप तो तो आपके क्या होते हैं फ्रैक्शन में भी आते हैं डेसिमल्स वाले भी आते हैं टर्मिनेटिंग uh, भी आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी आते हैं है, तो उसमें क्यू प्लस से डिनोट किया फिर रियल नंबर रियल नंबर में तो सारे ही नंबर आते हैं रियल नंबर हमारे तो उसमें से जो पॉजिटिव रियल नंबर्स नंबर उसके सेट को R प्लस से डिनोट किया है तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन था अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन से को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अगर आप इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आया तो क्वेश्चन भी आप इजिली सॉल्व कर पाओगे ये सबसे सिंपल और इजी एक्सरसाइज है अगर इंट्रोडक्शन अच्छे समझ में आ गया तो मुझे बताने की भी जरूरत आप एक्सरसाइज भी खुद ही सॉल्व कर लोगे ओके okay, तो अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू अब आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट डाउन कर लो थैंक यू